नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज समाजवादी पार्टी जनपद शाहजहांपुर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष तनवीर खान के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने उपस्थित होकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने बताया, ग्राम नवासपुर थाना खुटार के प्रधान राजाराम गिरी को राजनीतिक द्वेष भावना से गांव के पूर्व प्रधान विजय सिंह और उनके साथियों ने विवाद कर घर में घुसकर मारा पीटा। इस प्रकरण को पुलिस ने पीड़ित पक्ष के आज तक नहीं की। पीड़ित पक्ष मेडिकल कराने कोटा से चिपक गया तो वहां पीड़ित पक्ष के रिश्तेदार लोगों ने लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा, सीने से रेवा रोग लगा दिया। इसका वीडियो भी सभी प्रमुख चैनल पर चला। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से पीड़ित पक्ष ने मिलकर FIR दर्ज कराने की मांग की तो इंस्पेक्टर खुटार ने पीड़ित पक्ष को FIR दर्ज करने के बहाने थाना खुटार बुलाया और पीड़ित पक्ष को ही मारा पीटा। निवर्तमान समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा, पुलिस का उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके के कई मामले और भी हैं जिनकी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की कृपा करें। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन करने को बाध्य हो। योगेश वाजपेयी की रिपोर्ट। मकसद था, क्या कुछ मांगे थे? ऐसा है, बीजेपी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आज जो पुलिस उत्पीड़न हो रहा है जनता का, सपा के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, ये किसी से छुपा नहीं है। उसी के तहत आज हम सभी इन्होंने पार्टी के लोगों ने हमारे पोया विधानसभा क्षेत्र के हमारे पूर्व प्रत्याशी भाई उपेंद्र पाल सिंह जी हैं, जिला महासचिव हमारे रणजन सिंह यादव जी, राजेश वर्मा जी जो हमारे दरौल विधानसभा के प्रत्याशी, ये सभी लोग और पार्टी के तमाम पार्टी के हैं, उनके ज़मीन पर कुछ लोगों की नीयत खराब है। ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से उन पर लगातार फर्जी मुकदमे कुटार थाने में कायम हुए हैं और ये भी मामला राजाराम गिरी जी वाला कुटार थाने का है और उसके अलावा जलालाबाद थाने का एक मामला है। मीठा गाँव पड़ता है के बलात्कार की नीयत से जो जबरन जो है परेशान कर रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं और कप्तान साहब ने कह भी दिया, जलालाबाद में आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया, मैंने ये देखा है। और परौर वाला मामला है, एक सिपाही का परौर वाला मामला है, उसमें भी उत्पीड़न किया जा रहा है। लगातार जो उत्पीड़न हो रहे हैं उस संबंधी बिंदुवार ज्ञापन अभी जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा गया है पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ज्ञापन हम लोगों ने भेजा है और मांग की है कि तत्काल इंसाफ दिया जाए। हमारे जो भी पीड़ित हैं समाजवादी पार्टी के लोग या जनता के लोग, इस भाजपा सरकार में जो जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है उस उत्पीड़न को बंद किया जाए, फर्जी मुकदमे बंद किया जाए और जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जो पीड़ित हैं जिनके साथ घटनाएं हो रही हैं, उनकी तरफ से थाने में मुकदमे लिखे जाए पूरी तरह से। और विपिन यादव के खिलाफ जो मुकदमा फर्जी लिखा गया है, हमारे लोहिया वानी जिला अध्यक्ष हैं, जो उनका ऊपर लगे मुकदमे को वापस लिया जाए, फर्जी मुकदमा है, उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनता के लोग हैं जिन पर इस सरकार में लगातार मुकदमे ज्ञापन दिया गया, मांगे नहीं मानी जाएगी, तो अगला कदम क्या होगा? समाजवादी पार्टी तो संघर्ष के कोख से पैदा हुई है, सभी जानते हैं हम लोग संघर्ष के आदि हैं, इसलिए समाजवादी हैं, हम लोग सड़कों पर बैठकर संघर्ष करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और हमारे लोगों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए परमार्थ आवास न्यूज।